करीबन 4 वर्ष पहले 15/12/2019 में अपने मेघरज पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल हुई थी IPC 363, 366 एंड पॉक्सो कलम को लेकर। जो फरियादी थे उनका कहना था कि उनकी जो दीकरी थी वो आंखें आंख से गायब हो गई थी और किसी के साथ चले गई थी, या जो भी हकीकत थी वो पुलिस को फाइंड आउट करनी थी। इसको लेकर जो हमारे रेंज DIG सर हैं श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर, उनका स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि इसमें क्या हुआ, क्योंकि करीबन 4-1 वर्ष हो गए थे, तो असलियत क्या है और अगर भोग बन्नार हैं अलाइव थी तो उनको लाया जाए। इसको लेते हुए हमने LCB की टीम्स बनाई, जुदी जुदी टीम्स बनाई गई, SOG PSI की भी टीम्स बनाई गई और एवं लोकल मेघरज पुलिस स्टेशन से भी टीम्स बनाई गई। क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया था तो थोड़ा टेक्निकल सोर्सेस एवं ज़्यादा जो हमारे बातमीदार थे जो कि हमने वहाँ छोड़े हुए थे और उनकी बातमी आधार है, हकीकत ये हमें जानने को मिली कि जो भोग बन्नार थी और अब जो मनर जनार हो चुकी हैं वो आखियान से जब लौट रही थी तो अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ 3 और दोस्त थे, उनके साथ वो वापस आ रही थी। और जब वो वापस आ रही थी तो जो आखियान के आयोजक थे मोहन गला और उनके साथ भरत कटारा, इन दोनों ने पीछा किया। इन्होंने पहले देखा कि ये 4 लोग खेत से जा रहे हैं, फिर पीछा किया तो ये लोग भागने लगे। जो इनके 3 दोस्त थे वो अलग डायरेक्शन में भागे और जो मरणजनार थी वो अलग डायरेक्शन में भागी, उनके पीछे गए और जो लोखंड से हमला किया और वो वहीं गिर पड़ी। ये गिरने के बाद इन्होंने जो उनका एक अकम्प्लिस थे बारू जी को बुलाया कि अब ये जो मरणजनार हैं मर चुकी हैं। बारू जी ने उनको ये सजेशन दिया कि आप लोग वापस आखियान में जाइए और अपना खता वता सब फिनिश कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ये लोग वापस आए खता होने के बाद, जो मरणजनार की बॉडी थी उनको पास का जो मोहन गला का जो कुआ था उसमें डाला और 2 दिन वेट किया। जब मैटर चल ही रहा था, इन्होंने रात में 2 दिन बाद बॉडी को उठाया ट्रैक्टर में, दूर जो महीसागर में जालासर गांव में जो बादर नदी है उसमें इन्होंने लाश को बांधा और वहां डालकर आ गए। ये हमें हकीकत मिली है। इसमें इसमें जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं, मेन इसमें पूरा ये जो साजिश रची गई थी ये मोहन गला, बारू जी, भरत भाई, अशोक भाई, राकेश भाई, रमेश भाई और धीरा भाई की रची गई थी। उन्होंने एक दूसरे से मिलकर भोग बन्नार का पहले 2 लोगों ने मर्डर किया, उसके बाद बॉडी डिस्पोजल भी इन लोगों ने एक दूसरे की सहायता में की। हमने जो गुना में उपयोग जो ट्रैक्टर था जिसमें इन्होंने मरण जनार की बॉडी रख कर ले गए थे वो हमने कब्जे में ले लिया है। जो गुना में उपयोग जो लोखंड था वो भी हमने कब्जे में ले लिया है और एक मोबाइल फ़ोन भी हमारे कब्जे में आ गया है। इसमें मैं अरवली जिला पुलिस के LCB की टीम, SOG की टीम, मेघरज की टीम की अभिनंदन देना चाहूँगी कि इतने पुराने केस जिसमें होप्स प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी उसको भी इन्होंने सीरियसली लिया और सफलता प्राप्त की और हमें पता चला एक्चुअल में हकीकत क्या थी। सर, मुख्य दो आरोपी के अलावा दूसरा आरोपी का क्या रोल था? जी हाँ, 2 आरोपियों का ये रोल था कि उन्होंने बॉडी को उठाकर रखने में मदद की और 1 आरोपी का ये रोल था कि महीसागर जिले में कहाँ बॉडी को डिस्पोज करना है ये उसने बताया कि इस नदी में अगर हम डिस्पोज करेंगे तो यहाँ से किसी को बॉडी मिल नहीं सकती। जी नहीं, इसकी पूरी सर्च चल रही है। लास्ट 2 दिन से हमारी टीम्स वहीं हैं, कोशिश कर रही है कि बॉडी को हम रिट्रीव कर सकें, पर क्योंकि नदी के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं उसके वजह से थोड़ा और हमें ध्यान से इसमें चलना पड़ेगा। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हमारी वहां जा चुकी है, उनको हमने लेटर भेजकर रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारी मदद करें। जैसे ही हमारा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है वैसे ही वहाँ वो लोग सर्च कर रहे हैं नदी में।